जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, आपका काम वीडियोस रिकॉर्ड करना या फिर वीडियोस एडिट करना है, तो आपको बिट रेट का जो फीचर है ये कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीडियो के अंदर बिट रेट क्या होता है और हमारे वीडियो पर इस बिट रेट को कम करने या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर हमारे वीडियोस के अंदर ये बिट रेट क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट हमारे वीडियोस पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बिट रेट होता है इसका मतलब ये है कि प्रति सेकंड आपके वीडियो में कितना डेटा ऐड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिट है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ये जो बिट होता है, आज हम जितना भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जितना भी हम सोशल मीडिया के अंदर डेटा यूज करते हैं, फिर चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, कोई ऑडियो हो, ये जो डेटा होता है जब हम इसको मेजर करते हैं तो उस मेजर करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसको हम कहते हैं बिट। और आसान शब्दों में समझे तो आपको कुछ अगर मापना है, किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो आप कैसे नापेंगे? आप नापेंगे उसको माइल्स में, किलोमीटर में, मीटर में, इंच में, फुट में। तो सबसे छोटी यूनिट मापने के लिए होती है मिलीमीटर। उसी तरीके से जो डिजिटल डेटा होता है, वीडियोस होती हैं हमारी, उसका जो डेटा होता है उसको मेजर करने के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं बिट। दोस्तों, ये जो बिट होता है इसको हम एमबीपीएस या फिर केबीपीएस के अंदर नापते हैं। तो अक्सर जब आप बिट रेट को कंट्रोल करते हैं तो आपको वहां पर या तो केबीपीएस दिखाई देगा या फिर एमबीपीएस दिखाई देगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी वीडियो आप एडिट करने के बाद फाइनल कर रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जितना ज्यादा बिट रेट होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी उस वीडियो की आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ वीडियो का जो साइज होता है वो भी बिट रेट पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिट रेट ज्यादा होने से क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्वालिटी अच्छी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा साइज उस वीडियो का होगा। जैसे एक नॉर्मल एचडी वीडियो का जो साइज है वो आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन वही वीडियो अगर 2K या 4K वीडियो रेजोल्यूशन में हो तो उसका साइज आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का साइज डिपेंड करता है बिट रेट पर, कि वो कितना ज्यादा उसका बिट रेट है। अब दोस्तों समझते हैं कि जो वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसमें कितना बिट रेट यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल जो एचडी वीडियो होती है जो 720p के अंदर रन करते हैं, उसका जो बिट रेट है वो यहां पर 5 Mbps से लेके 7.5 Mbps होना चाहिए। इसके बीच में वो एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो एचडी के अंदर बनती है। दोस्तों, वहीं पर हम बात करें, हमारी जो फुल एचडी वीडियो होती है, जैसे 1080p जो रेजोल्यूशन होता है, उसमें हमारा जो बिट रेट रहना चाहिए वो यहाँ पर रहना चाहिए 8 Mbps से लेके 12 Mbps तक। वहीं हम 2K वीडियोस की बात करें तो 2K वीडियोस में आपका जो बिट रेट है वो 16 Mbps से लेके 24 या 25 Mbps तक रहता है, तो ये एक अच्छा बिट रेट माना जाता है। वहीं हमारी जो 4K वीडियोस होती हैं उनके अंदर एक अच्छा बिट रेट माना जाता है हमारा 30 Mbps से लेके 70 Mbps के बीच में, एक सही बिट रेट यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों, ये जो बिट रेट है, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली यूज करना है तो जब आप अपने कोई भी वीडियो एडिट करने के बाद फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर आपको दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला, उसकी क्वालिटी आपको क्या रखनी है, और दूसरा, उसका बिट रेट आपको क्या रखना है। ये सारी चीजें आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बिट रेट का कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।